Hello everyone, welcome to Indus Rangers. This is Justice Bhatt, your GS Twitter. In this lecture, we are going to cover part 2, that is the citizenship. As it is written on the board, you can see part 2 citizenship, यानी कि सेकेंड जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नागरिकता के बारे में बात करता है. ठीक है, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि पार्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे आप बुक पढ़ते हो ना तो प्रीएम्बल वाला पार्ट दैट इज प्रीफेस होता है बुक का किसी नॉवल का, एंड ये पार्ट मतलब चैप्टराइजेशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब चैप्टराइजेशन किया जाता है तो वहाँ से पार्ट निकल के आते हैं. जैसे पार्ट 1 में आपने देखा यूनियन एंड टेरिटरी, नाउ इन पार्ट 2 सिटीजनशिप. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिटीजनशिप. देखो, अब सिटीजनशिप को पहली चीज कहाँ पे मेंशन है, पार्ट 2 में मेंशन है. ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें. सिटीजनशिप किस में मेंशन है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 5 से 11 तक का. ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया फैक्ट की बात. आप आर्टिकल्स को कहीं भी देख सकते हो, किसी भी बुक में सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा कि हर आर्टिकल में है क्या. बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट. ओके, कंसेप्ट क्या होता है सिटीजनशिप. कोई सिटीजन की अगर बात करता है तो ये सिटीजन है कौन, क्या चीज है सिटीजन. ठीक, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे. ओके, अभी कुछ साल पहले करंट्स न्यूज में भी बना हुआ था लगातार सिटीजनशिप. ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग अगेन कि ये जो सिटीजनशिप है ना, जैसे प्रीवियस पार्ट वाला था वो भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ टू सक्सेसिव वार्स, दैट इज इज़राइल एंड पैलेस्टाइन. उससे पहले जो रसिया और यूक्रेन का हुआ था. ठीक है, इन दोनों वार की वजह से ना ये कुछ जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि वो एटलीस्ट आपको अच्छे से उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. जैसे कि पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी वाला था. ठीक है, आप इमेजिन करो कि इसराइल कल को पैलेस्टाइन को अपने अंदर कवर कर लेता है. ठीक है, अपने पार्ट्स में मिला लेता है. ठीक, तो किस तरीके से वो जो वहाँ पे बनाएगा, सेम हमारे पेपर में हमारे क्वेश्चंस बन के आएंगे कि अगर कल को हमारी कंट्री किसी पार्ट को कवर करती है, किसी कंट्री को कवर कर लेती है तो उसमें कौन से आर्टिकल्स और क्या होगा. तो फर्स्ट हो गया वो पार्ट 1 वाली बात. अब हम पार्ट 2 की. ठीक है, कि जो पैलेस्टाइनियन होंगे वो अगर इसराइल के नागरिक बन रहे हैं, इसका मतलब कि अब नागरिकता पे बात हो रही है, सिटीजनशिप पे बात हो रही है. तो इन द सेम वे इंडिया में सिटीजनशिप का क्या कंसेप्ट है वो इस वीडियो में आप समझ जाओगे सिटीजनशिप कितना इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स आवर इंडियन करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप ये समझो, रिलेट करना आप सीखो. बेसिकली जीएस इज नथिंग, अब फैक्ट्स है, फैक्ट्स सबको रटना पड़ता है. ठीक है, फैक्ट्स का एक आप ठीक है आप किसी तरीके से शॉर्टकट से आप फैक्ट्स याद कर लो, बट फैक्ट्स आपको एटलीस्ट रटना पड़ेगा. फैक्ट्स में आपको कोई वहां पे वो नहीं है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार हर अपने क्लास में कि आप सभी लोग कंसेप्ट क्लियर करो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और सेकेंड चीज कि आप रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट करो ना. अब जैसे हो रहा है वार तो आप रिलेट करो कि इंडिया में अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजन एक्टिव होंगे. ठीक, तो अब देखो किस तरीके से सिटीजनशिप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो सिटीजनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर दिस ईयर. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, आर्टिकल्स आप सारे कवर कर लोगे, आर्टिकल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इवन आर्टिकल्स हम अपने स्लाइड्स में डाल भी देंगे, बट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना. सो आप इसको इस तरीके से समझो बात कर रहा है सिटीजन की. आप इसको डिवाइड करना सीखो, क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो. हु इन द सेंस सिटीजन है कौन, पहली चीज. ठीक है, हर एक टेरिटरी में रहने वाला इंसान तो सिटीजन है नहीं, उसको कैसे समझेंगे. पहला हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हु का. ठीक है, सेकंड हाउ, कैसे आप कैसे सिटीजन बन जाते हो. ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन मार्क आऊगा कि आपका सिटीजनशिप कैसे खत्म होगा. तो यहां से बेसिकली तीन कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि हु आर सिटीजन्स, हाउ द सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, एंड थर्ड हाउ द सिटीजनशिप ऑफ आवर इंडिया आवर कंट्री कैन बी टर्मिनेटेड. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं. ठीक है, एक एक कंसेप्ट की बात करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलते हैं कि क्या है. सो सिटीजन नागरिक है कौन. आप देखो हर जो जगह पे रहता है, ठीक है, एक लैंड पे एक टेरिटरी पे जो रह रहा होता है ना उसको हम बोलते हैं निवासी, यानी कि रेजिडेंट. वो क्या होता है, एक रेजिडेंट होता है. ठीक है, वो एक रेजिडेंट होता है, वो एक निवासी होता है. अब देखो रेजिडेंट कितने कैटेगरी का होता है,
वो या तो उस कंट्री का सिटीजन रहेगा, आप रिलेट करो जैसे कि आप हो, आप इस कंट्री के सिटीजन हो, या तो कोई टूरिस्ट, ठीक है, कोई टूरिस्ट आ रहा है या कोई और किसी अदर पर्पज से आ रहा है या कोई और वीज़ा लेकर के यहाँ ऑलरेडी रह रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के पर्पज़ से, तो ऐसे इनको बोलते हैं ना हम लोग, तो बेसिकली एक टर्म यूज़ कर देते हैं कॉमन सा कि फॉरेनर है वो, ठीक, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी वी विल यूज एलियन, यानी कि जो रेजिडेंट है, जो निवासी है, वो दो तरीके के हो गए, एक सिटीजन हो गया और दूसरा एलियन हो गया। अब एलियन, एलियन को बेसिकली दो कैटेगरी बनाया गया, एलियन का दो कैटेगरी बनाया गया कि एक आपका फ्रेंडली, एक जो है वो फ्रेंडली होगा और दूसरा एनिमी, ठीक है, एनिमी, एनिमी, फ्रेंडली एंड एनिमी। अब फ्रेंडली कौन हुआ, इन जनरल सारे फ्रेंडली ही होते हैं, एनिमी के देखिए, एनिमी एलियन जो है, एनिमी फॉरेनर जो है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब किसी कंट्री से वार चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे जिस कंट्री से वार चल रहा होता है उसके जो सिटीजन होते हैं वो हमारे एनिमी एलियन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट में इसराइल के लिए पैलेस्टाइन जो है वो एनिमी एलियन है, ठीक। तो कंसेप्ट ये क्लियर कि रेजिडेंट कौन है, तो रेजिडेंट मतलब निवासी जो एक टेरिटरी पे रह रहा हो, कितने तरीके का हो सकता है, इधर सिटीजन और एलियन, ठीक। तो अब सिटीजन हु आर सिटीजन्स द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बोला ना हाउ, आपको यहाँ पे बेसिकली ये दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, हु हाउ, ठीक है, हु एंड हाउ। अब देखो कि सिटीजनशिप कैसे आप किसी कंट्री में आपको सिटीजनशिप मिलता है, अब जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पार्ट टू में इसके बारे में बात किया गया कि आपको सिटीजनशिप मिलता कैसे। फर्स्ट बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ, फर्स्ट बाय बर्थ, सेकंड बाय डिसेंट, ठीक है, बाय डिसेंट, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ जो पार्ट है बाय एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब कि एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरी। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पांच तरीके का कि आप सिटीजन कैसे हो सकते हो, तो आप पांच तरीकों से सिटीजन हो सकते हो। कैसे, आप बाय बर्थ सिटीजन हो सकते हो, क्लियर, आप बाय डिसेंट सिटीजन हो सकते हो, मतलब कि आप इंडिया में नहीं पैदा हुए हो, ठीक, आप इंडिया में नहीं पैदा हुए हो, आप हुए फॉरेन में, गई किसी अदर लैंड में आप पैदा हुए, बट आपके पेरेंट्स अगर इंडियन है या कुछ और भी प्रोविजन है, इस सबके बारे में हम डिटेल में एक एक टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। देन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन से भी हो सकते हो, बाय नेचुरलाइजेशन, एंड देन एक्वायर्ड टेरिटरी, अगर कल को कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको अपने पार्ट में शामिल कर लेता है, तो वो हो गया। अगेन एक एक पे डिस्कस करते हैं कि बाय बर्थ। अब देखो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ और आप इजिली क्लियर कर लो कि बर्थ का क्या है और डिसेंट्स का क्या है, ठीक है, बाय बर्थ और डिसेंट। देखो अब यहां पे आता है कुछ डेट ऐसे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से ये बाय बर्थ बाय डिसेंट का बेसिकली, देखो होता क्या है ना कि जब कोई कंट्री अपना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आता है, तो फिर उस समय पे एक उस टाइम पीरियड के लिए एक प्रॉपर वो फंक्शन देकर के चला जाता है कि हाँ यहां पे ऐसा होगा, बट लेटर जैसा कि बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, वी कैन इजिली चेंज, सो दैट्स वाई, नॉट इजिली चेंज बट वी कैन चेंज इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस तरीके से अलग अलग बाद में एक्ट्स आते गए और वहां से सिटीजनशिप में चेंज होता गया। अब देखो बाय बर्थ, जैसा मैंने बोला बाय बर्थ मतलब कि आप इंडियन सॉइल पे पैदा हो रहे हो, ठीक है, इंडियन मिट्टी पे पैदा हो रहे हो, और बाय डिसेंट का मतलब कि आपके माँ बाप, दादा दादी, ग्रैंड फादर, ये सारे लोग इंडियन रहे हुए हैं और आप किसी अदर कंट्री में पैदा हो रहे हो बट आप इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाह रहे हो, ठीक। तो देखो आप यहां पे देखिए, फर्स्ट डेट जो इंपॉर्टेंट आता है यहां पे 26 जनवरी 1950, यह कौन सा डे है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो लागू हुआ था, ठीक है, ये वो डेट है। इस डेट से पहले जो भी लोग इंडिया में रह रहे थे, ठीक है,
वो सारे इंडिया के नागरिक थे, वो सारे इंडिया के नागरिक थे। अब इस डेट से कहानी स्टार्ट होता है और वो पहुंचता है इस डेट से। अभी देखो कंसेप्ट अपना क्लियर रखो कि इस डेट में क्या इंपॉर्टेंट है, कि इस डेट में जो भी लोग इस डेट से पहले इंडिया में अगर हैं तो वो इंडिया के नागरिक हो गए, ठीक है। बट इस डेट से ले करके और आता है एक डेट 1 जुलाई 1987, ये एक डेट आता है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है देखो, एक बार फिर से देखो, 26 जनवरी 1950 to 1 जुलाई 1987, ओके। इस डेट के पीरियड में हर पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ है, इंडियन टेरिटरी पे पैदा हुआ है, वो इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है। वो इंडिया का सिटीजन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी, ओके। सो इट डजेंट मैटर कि इधर योर पेरेंट्स, कोई भी आपके माता पिता आपके कोई भी हो, वो इंडियन है या नहीं, इट डजेंट मैटर। अगर इन 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक अगर जो आप इंडियन सॉयल में पैदा हुए हो तो आप इंडिया के नागरिक हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स नेशनैलिटी, ठीक है। ये नहीं अफेक्ट करता है कि आपके पेरेंट्स इंडियन है कि नहीं है, ठीक है, पूछा नहीं जा रहा था कि आपके पेरेंट्स इंडियन है या नहीं है। देन ये फर्स्ट कहानी हो गया। देन सेकेंड आपका आता है, सेकेंड 1 जुलाई 1987। अभी तक 1 जुलाई 1987 के पहले जितने भी इंडिया में पैदा हो रहे थे, ये नहीं अफेक्ट करता था कि उनके माता पिता इंडिया के हैं या नहीं हैं, बट वो इंडियन हो जाते थे। यहाँ से एक डेट निकल के आता है, 3rd December 2004, ठीक है। अब आता है 3rd December 2004, इस डेट के टाइम पीरियड में। अब आप देखो 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक के डेट में कहा गया कि ईदर ऑफ पेरेंट्स शुड बी इंडियन, ठीक है। आपके माता पिता में से कोई भी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या कहा गया था 1987 से पहले, इमेजिन करो 1987 से पहले क्या था कि आपके माता पिता इंडियन हो चाहे ना हो, डजेंट अफेक्ट, आप इंडिया के सिटीजन हो जाओगे। बट आफ्टर 1 जुलाई 1987 ये कहा गया कि आपके माता पिता में से कोई भी एक इंसान इंडिया का होना चाहिए, ठीक, तभी आप जाकर के बाई बर्थ ऑफ इंडिया के नागरिक बनोगे। इंडिया के सॉइल पे पैदा होना ही नहीं मैटर करता है, आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देन थर्ड कैटेगरी आया 3rd December 2004, ठीक है। अब ये डेट आया एंड कंटिन्यू इस डेट से, सो कंटिन्यू, ठीक है। इस डेट के बाद अब क्या चेंज किया गया कि बोथ ऑफ पेरेंट्स, ओके, बोथ ऑफ पेरेंट्स की मतलब आपके दोनों माता मदर एंड फादर दोनों, आपके दोनों लोग इंडियन होने चाहिए, दे शुड बी द इंडियन सिटीजन, दे शुड बी इंडियन सिटीजन। अगर ऐसा है तभी जाकर के आप इंडियन सिटीजन होगे। सिर्फ इंडिया में पैदा हो जाना, इंडिया में बर्थ बॉर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। फर्स्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले तो आप हो ही सिटीजन, बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आप 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के पीरियड में अगर आपके माता पिता डजेंट मैटर वो इंडियन है या नहीं है, बट अगर आप इंडियन सॉइल पे पैदा हो गए आप इंडियन सिटीजन हो जाते हो। बट 1 जुलाई 1987 के बाद रूल चेंज किया गया कि 1 जुलाई 1987 से 3rd दिसंबर 2004 तक ईदर ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के आप इंडियन रहोगे, ओके, इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। देन थर्ड कि अगर जब ये दिसंबर वाला आया 3rd दिसंबर 2004, ये कहा गया कि आपके दोनों, आपके ऐसा नहीं है कि कोई केवल मदर या फादर, दोनों में से कोई भी अगर इंडियन सिटीजन, दोनों को होना होगा, अगर कोई भी एक है तो नहीं, अगर आपके दोनों इंडियन
सिटीजन है तभी जा करके आप इंडियन सिटीजन होगे। ओके, आपको अगर इंडियन सिटीजन बाई बर्थ चाहिए तो इसका मतलब किस डेट के बाद आप इंडिया में फर्स्ट इंडियन सॉयल पे पैदा हो रहा है, सेकंड आपके माता पिता दोनों इंडियन सिटीजन हैं। ठीक, ये हो गया बाई बर्थ, ये हो गया बाई बर्थ। अब हम डिस्कस करते हैं डिसेंट। आप इंडिया में नहीं, आप कहीं बाहर पैदा हो रहे हो, फर्स्ट ये आया। ठीक है, अब एक चीज आप यहां पे नोट कर सकते हो, एक चीज आप यहां पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहां मैं एक डेट मेंशन कर रहा हूं, मैं डिस्कस करता हूं इसके बारे में। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो, यहां पे क्या हो रहा है, रूल जो है, रूल सबसे इजी था, मैटर ही नहीं करता था आपके माँ बाप इंडियन सिटीजन है या नहीं है। तो रूल क्या होता गया, डे बाय डे टफ होता चला गया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पेरेंट होना चाहिए और यहाँ पे दोनों होना चाहिए, तो रूल क्या जा रहा है, टफर साइड पे जा रहा है, टफ होता जा रहा है। ठीक है, डे बाई डे इंडियन, अगर आप बाई बर्थ बनना चाह रहे हो, आप बाई डिसेंट में देखो, पहले तो आप हो, ठीक है, डजंट मैटर, बस इस डेट से लेकर के 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक के पीरियड में कहा गया कि फादर शुड बी इंडियन, फादर इंडियन इंडियन। अगर आपके फादर इंडियन है, यानी कि आपके फादर इंडियन है, मदर से नहीं मतलब था, आपके फादर इंडियन है तो ही जाकर के आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। अगर आप फॉरेन में पैदा हुए हो इट डजंट मैटर, बट आपके फादर जो है वो इंडियन होने चाहिए, कब तक, 10 दिसंबर 1992 तक। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इस फेज में देखेंगे। ठीक है, अभी 10 दिसंबर तक चल रहा था सब कुछ, 1992 तक नॉर्मल चल रहा था, देन 3rd दिसंबर को चेंज किया जाता है। ठीक है, उससे पहले देखो, अब रूल कैसे लिबरल कर रहा है, यहां पे टफर साइड पे जा रहा है, यहां पे लिबरल कर रहा है, यहां अभी कहा कि आपके फादर इंडियन होने चाहिए, मदर अगर इंडियन है डजंट मैटर, आपके फादर इंडियन होना चाहिए। यहां पे क्या कह रहा है, इधर सपोज आपके फादर इंडियन नहीं है, आपकी मदर इंडियन है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ऑफ पेरेंट्स में से कोई भी अगर वो इंडियन है तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया, देन 3rd दिसंबर ऑनवर्ड्स, इसके बाद आफ्टर 3rd दिसंबर 2004 ये कहा गया कि मैटर ही नहीं करता है कि आपके माँ बाप इंडियन है या नहीं है। ओके, मैटर ही नहीं करता कि आपके माँ बाप इंडियन है या नहीं है, मैटर क्या करता है कि आपके पास नो अदर पासपोर्ट, आपके पास किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट बस नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इंडियन सिटीजन हो गए। ठीक, अगर आप रजिस्टर करा लेते हो एम्बेसी में, आप इंडियन सिटीजन हो जाते हो। मैं एक बार कंसेप्ट आपका फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर आप बाई बर्थ एक्वायर करना चाह रहे हो, फर्स्ट तरीका कि आप इंडियन सॉयल पे पैदा हो, सेकंड पहले कहा जाता था 1987 तक कि पेरेंट्स की नेशनलिटी डजंट मैटर, देन 1987 से 2004 तक आया कि इधर ऑफ पेरेंट्स, मतलब अब कोई ना कोई एक पेरेंट्स आपका इंडियन होना ही होना है। देन 3rd दिसंबर 2004 इसमें कहा गया कि आपके दोनों पेरेंट्स, आप इंडियन सॉयल पे पैदा हो ठीक है, बट आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए। देन अगेन कम टू बाई डिसेंट, यानी कि आप पैदा फॉरेन में हो रहा है बट आप किसी ना किसी तरीके से डिसेंट से आप अपने इंडियन मिले हुए, चाहे आपके ग्रैंडफादर या मदर कोई भी हो, ठीक है, वो इंडियन हो। ठीक है, 26 1950 से लेकर के दिसंबर 1992 यहां तक था कि आपके फादर अगर इंडियन है तभी जाकर के आप इंडियन सिटीजन हो गए, अदरवाइज नहीं। देन 1992 से कहा गया कि नहीं, अब हम रूल चेंज कर रहे हैं, अब आपके इधर आप पेरेंट्स, चाहे आपकी मदर फादर कोई भी हो, अगर वो इंडियन है तो आप इंडियन हो जाते हो। देन 2004 में ये कहा गया कि इट डजंट मैटर कि आपके पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पेरेंट्स की बात खत्म, कहाँ से है ये मैटर ही नहीं करता है, बस आप किसी तरीके से किसी अदर कंट्री के पासपोर्ट को नहीं रख रहे हो, ठीक है, और आपका डिसेंट इंडियन कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा हो तो आप इंडियन सिटीजन हो जाते हो। ठीक, क्लियर, हमने दो क्लियर कर लिया, सिटीजन बाई बर्थ, सिटीजन बाई डिसेंट। ओके, देन इन आवर नेक्स्ट, मैंने बताया ना, सिटीजन बाई बर्थ, सिटीजन बाई डिसेंट, देन सिटीजन बाई रजिस्ट्रेशन, सिटीजन बाई नेचुरलाइजेशन एंड सिटीजन बाई एक्वायर्ड टेरिटरी। ओके, तो अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन में, ठीक है,
अब ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन मतलब ये कि जो ऑलरेडी इंडिया में है वो अगर अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। फर्स्ट डे रजिस्टर करा लिए एंड देन आफ्टर 7 ईयर 7 साल बाद वो इंडियन सिटीजनशिप पा रहे होंगे। इस बीच आपको इंडिया में रहना होगा। आप अगर इंडिया में हो 7 साल तक और फर्स्ट डे आप रजिस्टर करा लियो, देन आफ्टर 7 ईयर यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये है बाई रजिस्ट्रेशन, क्लियर। देन बाई नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन बेसिकली नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना कि कोई फॉरेनर है, ठीक है, कोई फॉरेनर है वो आ गया इंडिया में। आप इमेजिन करिए कि कोई फॉरेनर है वो इंडिया में आ जाता है, यहाँ पे वीजा लेकर के रह रहा है, अब उसको बनना है इंडिया का सिटीजन, उसको इंडिया पसंद आ गया, ठीक है, गंगा जी पसंद आ गई, अब उसको इंडियन बनना है, ठीक। अब नेचुरलाइजेशन, अब उसको कैसे बनेगा वो नेचुरलाइजेशन, इसमें पीरियड है 12 ईयर का, सेम कि आप अपने आप को रजिस्टर कराओगे और आप 12 साल तक इंडिया में रह रहे हो, देन आप इंडियन सिटीजन हो जाओगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब जो ऑलरेडी इंडिया में है और जिसके पास, सपोज करिए, अब जैसे कहा जाता है ना आपका सिटीजन बनने के लिए आपका, आपके पास कोई प्रूफ क्या दोगे, तो आपके पास आधार कार्ड या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी कार्ड जहाँ से आपको इंडियन हो, ठीक, तो पता चल जाएगा कि आप इंडियन हो। अगर नहीं है वो आपके पास तो आप रजिस्ट्रेशन, तो बेसिकली इंडियंस की बात कर रहा है कि जो इंडियंस जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है, अगर वो रजिस्ट्रेशन, वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाह रहे हो तो वो रजिस्ट्रेशन से लेंगे। बट कोई फॉरेनर या कोई ऐसा है जो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाह रहा है तो वो बाई नेचुरलाइजेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में 7 साल का टाइम पीरियड, ये याद रखो, एंड नेचुरलाइजेशन में 12 ईयर का पीरियड है, ये याद रखो, ओके, क्लियर। और एक्वायर टेरिटरी का मैंने आपको बताया ही, एक्वायर टेरिटरी में जब हम किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं, देन प्रेसिडेंट जो होता है उस कंट्री का, वो नोटिफिकेशन जारी करता है और इस हिसाब से आपको फिर फर्दर आपको इंडियन सिटीजनशिप बनाया जा सकता है, ठीक है, इंडियन, आप इंडिया के सिटीजन हो जाओगे। तो ये हो गया कि आप इंडियन सिटीजन हो कैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिटीजनशिप आपका इंडियन सिटीजनशिप कैसे खत्म होगा, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप आपका कैसे खत्म होगा। आप देखो, पढ़े हो आप, इंडिया का जो सिस्टम है, आप यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी कि आप अगर इंडिया के नागरिक हो तो आप इंडिया के ही नागरिक रहोगे, ओके। परफेक्ट एग्जाम्पल अक्षय कुमार का केस हम देखते हैं यहाँ पे, एक केस स्टडी कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक, आप एक केस स्टडी कर रहे हो, किसका, अक्षय कुमार का। इमेजिन करो इस केस स्टडी में हम क्या देखते हैं कि अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन थे एंड उन्होंने कैनेडा का सिटीजन ले लिया, सिटीजनशिप ले लिया, तो फिर उनका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्यों, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की बात की जा रही है। अब आपका सिटीजनशिप कैसे लॉस होगा, सिटीजनशिप कैसे लॉस होगा, किस तरीके से लॉस होगा, ये आप देखो। फर्स्ट देखो, बाई रेनन्सिएशन, सेकेंड बाई टर्मिनेशन, थर्ड कहता है बाई डेप्रिवेशन। अब देखो, मैंने आपसे बोला ना कि आप अक्षय कुमार के केस को समझोगे, तो उन्होंने एक्चुअली इंडियन सिटीजनशिप छोड़ा भी नहीं था, तो उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप, कैनेडा का सिटीजनशिप ले लिया, तो उनका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गया, सेकेंड वाले प्रोसेस से उनका इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो गया, ओके। एक एक को डिटेल में समझते हैं, देखो, फर्स्ट है बाई रेनन्सिएशन। रेनन्सिएट का मतलब होता है कि आप स्वेच्छा से त्याग कर दे रहे हो, आप आसान भाषा में समझो, आप त्याग कर दे रहे हो, यानी कि आप छोड़ दे रहे हो। आप कल को आप अमेरिका का, कैनेडा का, किसी भी अदर कंट्री का आप सिटीजनशिप ले रहे हो और आप एक जा करके ऑफिस में आप बोल दिए कि आज से मैं इंडियन सिटीजनशिप नहीं हूँ, मैं अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, आज से मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस, सिंपली आप गए और ऑफिस में आपने बोला, आप एम्बेसी या जहाँ भी आपका अथॉरिटी है, आप जाते हो और आप बोलते हो कि मैं अपना इंडियन सिटीजनशिप त्याग रहा हूँ बाई रेनन्सिएशन, सिंपल, ठीक, नथिंग। सेकेंड क्या होता है, बाई टर्मिनेशन, अगर आप अपना इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़े हो, ठीक, आप इंडियन सिटीजनशिप अपना रेनन्सिएट नहीं करे हो, ठीक, तो फिर क्या होगा, बाई टर्मिनेशन, आप किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप ले रखे हो, इनकेस आप अक्षय कुमार कि वो कैनेडा का ले लिया, तो उसका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गया। ये सिंपल है कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हो
ठीक है, इंडियन सिटीजन हो अगर आप, सॉरी अगर आप इंडियन सिटीजन हो और किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप आप ले लेते हो और आपने कंट्री को इंडियन इंडिया को बताया नहीं है तो आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगा। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपका इंडियन से नाम कट गया, ठीक है, इंडियन लिस्ट से, चाहे वोटर लिस्ट है, जो भी चीज़ें, आपका नाम वहाँ से कट जाता है। क्लियर? बाय डिप्रिवेशन, थर्ड ये एक टाइप का पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में थोड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों में आपका सिटीजनशिप गवर्नमेंट ही हटा रही है, ठीक है, दोनों में आपका सिटीजनशिप गवर्नमेंट ही हटा रही है, बट सिमिलैरिटी यही बस है। क्या दोनों में डिफरेंस है? ये सिंपल सा आपका सिटीजनशिप हटा दिया गया, बट इसमें क्या होता है, ये पनिशमेंट टाइप का है, यहाँ से आपका सिटीजनशिप पनिशमेंट यानी कि हटाया जा रहा है, आपसे जबरदस्ती छीना जा रहा है, आप नहीं छोड़ना चाह रहे बट आपका सिटीजनशिप छीना जा रहा है। कैसे? अगर आप किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हो, ठीक है, आप किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हो, देखो आप किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हो, देन आप नेशनल एंथम, एंथम यानी कि ये सारी नेशनल जो इंपॉर्टेंस की चीजें, अगर आप उसका अपमान कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसका अपमान कर रहे हो इन सारे तरीकों से, या आप छिपा करके किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट अपने पास रख रहे हो, ठीक है, बेसिकली कुल मिला के कि आप एक क्राइम, एक आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, और अगर आप उसमें इंडल्ज होते हो, इफ यू आर इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, कि जहां पे आप जानते हुए भी, आपको पता है कि अगर मैं किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता हूं तो हमारा इंडियन सिटीजनशिप चला जाएगा, बट आप इस फैक्ट को छिपा रहे हो, फिर गवर्नमेंट को अगर पता चलता है तो वो बाय डिप्रिवेशन आपका सिटीजनशिप खत्म कर देगा, एंड जैसा जैसा केस की ग्रेविटी रहेगी, जैसा आपके क्राइम की ग्रेविटी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजा भी देगा, पनिशमेंट देगा, ठीक है, पनिशमेंट देगा। क्लियर? तीन तरीके से आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकता है। व्हाट आर द थ्री वेज, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, बाय रेनन्सिएशन, यानी कि यू आर वॉलंटरी गिविंग अप योर सिटीजनशिप, ओके, आप खुद से अपना सिटीजनशिप छोड़ रहे हो। सेकेंड, बाय टर्मिनेशन, इज अ सिंपल प्रोसेस दैट द अथॉरिटी इज टर्मिनेटिंग योर सिटीजनशिप, वाई, बिकॉज यू हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, ठीक है, आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लियो तो जो अथॉरिटी है, इंडियन अथॉरिटी है, वो आपका टर्मिनेट कर दे रही है। एंड थर्ड, बाई डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, इफ द अथॉरिटी फाइंड दैट यू आर इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ फ्रॉड, ठीक, यू आर डिसग्रेसिंग नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड अदर नेशनल इंपॉर्टेंस थिंग, ओके, एंड इफ यू आर हाइडिंग योर अदर कंट्रीज सिटीजनशिप, दिस मीन्स दैट इफ यू हैव अदर कंट्रीज पासपोर्ट्स एज वेल, देन योर सिटीजनशिप कैन बी डिप्रोवाइड, ओके, क्लियर, आपका सिटीजनशिप जा सकता है। तो ये हो गया कि सिटीजनशिप हटाने का तरीका, सिटीजनशिप लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप कैसे जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि सिटीजन कौन है, सिटीजनशिप आप कैसे सिटीजनशिप पाते हो, ठीक है, कैसे एक्वायर करते हो, आप सिटीजन कैसे बनते हो। थर्ड हमने देखा कि आपका सिटीजनशिप कैसे जा सकता है। क्लियर? सो ओवरऑल सिटीजनशिप में पार्ट टू में कुल मिला के इंपॉर्टेंट यही चीजें, यही कंसेप्ट है, आपको ये याद रखना है। बाकी जो है ना आर्टिकल 5-11, ठीक है, ये स्लाइड्स में पढ़ जाएंगे, आप इजीली इनको देख लेना, मगर करने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है, ये पावर देता है किसको, पावर दे रहा है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किस चीज को मॉडिफाई करने के लिए, रूल्स ऑफ सिटीजनशिप। जैसे हमने देखा ना अभी कि हाउ टू बी इंडियन सिटीजनशिप, हाउ योर इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट, सो ये सारी चीजें आर्टिकल 11 कहता है, ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है कि ये सब कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, फर्स्ट थिंग उसको पावर दे देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 11 बस इसीलिए, जो CA चल रहा था, देन NRC, इन सारे में आर्टिकल 11 एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ये पार्लियामेंट की बात कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन कि हु हैज द राइट टू चेंज और मॉडिफाई द रूल्स ऑफ सिटीजनशिप, ओके, सो हु इज, पार्लियामेंट। क्लियर? सो ये हमारा इस तरीके से पार्ट टू जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।